हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, अभी शुरू हो रही है, 10 बजने वाला है, जैसे कि मैंने आपको देखा है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना लेट शुरू हो रहा है ब्लॉग और अभी आया है पार्सल। मतलब ब्लॉग शुरू करते एक पार्सल आ चुका है और पार्सल को खोल के देखते हैं मुझे बजाय क्या है, अगर आपको भी दिखाना बनता है तो पार्सल को खोलते अनबॉक्सिंग करते। सो दिस इज द पार्सल। पार्सल काटने के लिए हमारे पास है कैंची और इस साइड से हम लोग काटना शुरू करेंगे, देखते हैं क्या निकलता है। ऐसे आप लोग गेस कर सकते हो क्या निकल सकता है, पॉज कर लो, पॉज करके गेस कर लो। अब यहाँ तक देख लिया, आप तो गेस कर लो, नहीं पता चलो मैं दिखाई देता हूँ क्या है इसमें। सो इसमें है जैकेट और ये जैकेट कैसा है वही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जैकेट नया है। लेना रुको यार, उनको बहुत जल्दी रहती है हमेशा। इसको इस साइड से खोलना पड़ेगा, इस साइड से खोलना, ये इस साइड से खोलना, खोल दिया है जैकेट। जैकेट के अंदर तो अच्छा है, इसको पहन के देखना पड़ेगा। चलो मैं पहन लेता हूँ। तो जैकेट का क्या है, जैकेट तो बहुत फिटिंग से आई है, मगर एक दिक्कत है हाथ के यहाँ पे ना, वो वाला नहीं है, बटन वाला नहीं है, इस ये वही वाला है जिसको उठा वाला चिपका दो चिपकाने वाला है। तो हाथ में अगर वो वाला होता तो बढ़िया मज़ा आता, वैसे फिटिंग्स है। और इसमें अगर हवा नहीं जाएगी तभी ठंड नहीं लगेगी, अगर इसमें हवा जाएगी तो ठंड लग सकती है, देखते क्या रहता है। अभी तो पहन लेते, मतलब जब जाएंगे तब इसको पहन के जाएंगे, वहाँ पे जाके पता चलेगा कितनी ठंड है नहीं है। इसके अंदर अगर कुछ डाल दो तो ये सही रहेगा। पढ़ाई कर रहा था, करते करते और एक पार्सल आ चुका है जो कि ना ये है, और इसमें भी जैसे एक जैकेट निकला है और इसमें भी शायद वही निकलेगा, क्योंकि मैंने दो जैकेट हैंडल किया था। आई डोंट नो इसमें क्या है, देख के तो वही लग रहा है कि जैकेट है, हाँ जैकेट ही है। अब देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। उसका क्वालिटी आपको दिखा दिया, वो थोड़ा सा पतला था, तो इसका जो क्वालिटी होगा ये शायद थोड़ा सा मोटा होगा, क्योंकि मैंने देखा था रिव्यू में कि ये थोड़ा सा मोटा है और इसका ये देखो कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें कॉम्पैक्ट कम हो रहा था। तो इसको ही पहनते हैं और कलर कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, पहन के फिर आपको मिलता हूँ। एक्चुअली में इसका जो फिट एंड फिनिश है ये ज़्यादा अच्छा है, देख सकते हो आप खुद ही, देखो सही लग रहा हूँ ना। अब इसमें ये है ना, यहाँ पे हाथ पे टाइट करने का है, तो इसमें हवा तो नहीं जाएगी और ये ज़्यादा मोटा भी लग रहा है, और इसको जब प्रेस करते हैं बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाता है, कहीं भी ले जाने में बहुत आसान है। और कुछ ऐसा आया है, एक साइड प्रोफाइल से भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा आया है साइड से। तो मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अब ये तो ठंड पड़ने पर पता लगेगी कि कितना अच्छा है। वैसे अंदर एक इनर डाल लो तो फिर ये चल जाएगा आराम से, बहुत अच्छे से चलेगा, सही है, हो गया दो जैकेट अभी सर्दियों के लिए काम। वैसे ये वाला जो जैकेट अभी भी दिखा है इसमें हुडी भी है तो मज़ा आ जाएगा। और हाँ, डिलीवरी बॉय ने मेरे को एक बात बोला, अगर आप मान लो कि अमेजन से कोई भी चीज़ परचेस करते हो और उसके बाद वो अगर फटा हुआ अगर आपके पास आता है तो आप उसी टाइम रिटर्न कर देना, चाहे उसमें सामान हो चाहे ना हो, फटा हुआ अगर कोई एनवलप आता है, मतलब एनवलप के अंदर पैक होकर आता है ना, अगर वो फटा हुआ रहता है तो आप उसको कभी भी एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि हो सके कुछ और डाल दिया या फिर कुछ होते होते आपके साथ नहीं हुआ, आप उस टाइम पर एक्सेप्ट ही मत करना। कोई भी जा रहा हो अमेजन से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको कभी भी एक्सेप्ट मत करना अगर फटा हुआ है तो। फिलहाल खाना पीना हो चुका है और खाना पीना होने के बाद अभी पियेंगे ग्रीन टी, और ग्रीन टी के लिए ये लेके आया हूँ और बनाते हैं ग्रीन टी। पानी गर्म हो चुका है, पानी को बंद कर देते हैं और उसके बाद इसमें डालते हैं। तो अभी हम लोग, मतलब मैं और बेला आ चुके हैं छत पे, और छत पे पियेंगे चाय मतलब ग्रीन टी, और उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, वैसे छत पे भी धूप नहीं है। सो खैर, आज खाना पीना खाने के बाद कॉफ़ी पिया, मतलब ग्रीन टी पिया, ग्रीन टी पीने के बाद अभी रूम में आ चुका हूँ
और रूम में आने के बाद मेरे को जो फिर से सुबह से जो पढ़ रहा था वो आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद एक नया टॉपिक चालू करता हूँ, मतलब नया टॉपिक क्या, नया सब्जेक्ट ही चालू करता हूँ जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट देख लिया है तो मैरो खोलते हैं, और मैरो खोलने के बाद मैंने इसका भी निकाल लिया है, हिस्टोलॉजी और पैथोलॉजी और बोन्स, जो कि ना बोन के ऊपर है, और बोन के ऊपर इसलिए है क्योंकि मेरे को ऑर्थोपेडिक्स अभी सब्जेक्ट शुरू करना है। तो ये है 30 मिनट का एक चैप्टर, उसके बाद है 85 मिनट्स का, और 66 मिनट का, ये तीनों का आज टारगेट में रहेगा, देखते हैं कितना हो पाता है। तो जितना हो पाता है मैं अभी शुरू करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। चुके हैं किचन में, बनाएंगे चाय मम्मी के लिए, पापा के लिए, मेरे लिए, क्योंकि सुबह से एक ही चाय मिला है और ये मेरा सेकंड चाय होगा, तो इसको पीना तो बनता है। जब तक बैठे रहो मैम खुजलाते रहो, अगर हाथ हटाए तो दुर्घटना घटी, देखो फिर से हाथ लगाओ, हाथ लगाओगे तो सुखी रहोगे, हाथ नहीं लगाओगे तो भाड़ में जाओगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग शुरू हो रहा है, सुबह सुबह देख सकते हो मैं सनग्लास पहन के शुरू कर रहा हूँ, बहुत सुबह उठा हूँ। अभी उठने के बाद जो हुआ कि मैं थोड़ा सा भटक गया था पढ़ाई में। अभी मैं 12 बजने वाला, जिसके मैंने टाइम बताया, तो अभी जा रहा हूँ मैं बैंक, और बैंक से जाने के बाद आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है। अगर ये हो गया तो थंबनेल में डाल दूंगा, अगर नहीं हुआ तो थंबनेल में नहीं डालूंगा, बाकी आप वीडियो को कंटिन्यू करो। अगर थंबनेल में डाल दिया तो आपने सोच लिया होगा क्या मतलब क्या होने वाला है, अगर थंबनेल में नहीं डाला तो सोचो क्या नहीं होने मतलब क्या होने वाला था, क्या नहीं हुआ। बेला अपना पूरे दिन खाट पे ऐसे बैठी रहती है, कंबल के अंदर इसको रहना है, तो कोई नहीं, इसको इसके मर्जी पे छोड़ देते हैं। तो अभी चलते हैं बाहर, लाइट वगैरह ऑफ कर देता हूँ, तो फिर बेला अच्छे से सो पाएगी। तो देखो जी ऐसा बात है, मिला ही नहीं, जो कि मेरा सिविल बहुत लो था क्योंकि नया खुला है ना क्रेडिट कार्ड, तो इसलिए नहीं मिला। चलते हैं रूम। फाइनली मैं आ चुका हूँ, और जो कि गया तो मिला नहीं क्योंकि उसको कुछ सिविल का कोई दिक्कत आ रहा था, क्योंकि नया क्रेडिट कार्ड है तो इसलिए नहीं मिला। बाय द वे अभी मैं बैंक भी गया था, बैंक से बहुत सारा सामान दिया है और बहुत सारे फॉर्म फिलअप भी करना है, जो कि मैं फॉर्म लेके आया हूँ, और मैं अपने पेट के अंदर लेके आया हूँ, ये है सारे फॉर्म, इनको फिलअप करके फिर से बैंक जाना पड़ेगा और भरना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया भी है, देखते हैं कितना कुछ भर पाते हैं। तो अभी छत पे देख रहे हो अभी की शुरू हो रहा है, मतलब शाम के रात हो चुका है अभी, तो मैंने पूरे दिन ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं सो गया था, तो थोड़ा पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि इतना कुछ दिखाने के रोज़ रोज़ रहता नहीं है। वैसे बाय द वे अभी छत पे आया हूँ, और ये जो कम से देख रहे हो इसको धो दिया है, अब अभी चलते हैं नीचे, और नीचे जाके फिर नहा धो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ऐसे माँ सबको मिले, नहा के आया और मिल गई है गर्म गर्म चाय, अब क्या ही कहने ऐसे माँ के, है ना मम्मी, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल नहा धो के बिल्कुल रेडी होकर पढ़ाई कर रहा था, तो एकदम से याद आया, अरे ब्लॉग तो स्टार्ट किया नहीं, मतलब ब्लॉग जो बताया था कि नहाने के बाद मिलता हूँ, नहाने के बाद तो मिला ही नहीं, तो थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ अभी, शायद 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, पानी वानी पीऊँगा, सुसु ब्रेक कर कर फिर से पढ़ाई करूँगा। I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlled.
जैसे कि मैं अभी तक पढ़ाई कर रहा था और वो ऑर्थोपेडिक्स था, ऑर्थोपेडिक्स का एक चैप्टर खत्म हो चुका है और उसका मैंने शुरू किया था एनाटॉमी ऑफ द फीमेल पेल्विक ऑर्गन, और ये शुरू ही किया था, ये खत्म नहीं हुआ है, मतलब ये गायनेकोलॉजी पढ़ रहा हूँ अभी, तो इसको पढ़ के मैं सो जाऊँगा आज बहुत जल्दी, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है 11:30 हो चुका है, ये देखो ऊपर टाइम, मतलब 10:30 हो रखा है टाइम, तो 2 दिन का ब्लॉग एक साथ डाल दूंगा। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना, और इसके बाद मुझे अपडेट भी करना है, मतलब एडिट भी करना है, अपडेट भी करना है, सब कुछ करना है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, खुश रहना, खुश रखना।